नमस्कार, आरकेजे न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। सदाशिव की राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर आज सामने आ रही है। तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया पहुंचे सदाशिव पंचायत समिति की बैठक में। भंवरलाल शर्मा खेमे के लिए यह एक बड़ी मुसीबत हो सकती है। आज सदाशिव में पंचायत समिति में साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नव निर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों एवं जिला परिषद सदस्यों को स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस साधारण सभा को तारानगर के विधायक नरेंद्र बुडानिया ने आकर असाधारण बना दिया। सदाशिव पंचायत समिति की बैठक में आकर तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने विधायक भंवरलाल शर्मा खेमे की चिंताएं बढ़ा दी है। नरेंद्र बुडानिया एवं विधायक भंवरलाल शर्मा एक ही पार्टी कांग्रेस से हैं। दोनों पड़ोसी विधानसभाओं से संबंध रखते हैं, पड़ोसी विधायक हैं, मगर नरेंद्र बुडानिया एवं विधायक भंवरलाल शर्मा के बीच कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। बात करें 10 वर्ष पुरानी 2010 में कनक बुडानिया से सदाशिव से जिला परिषद का चुनाव लड़ा था। उस समय कांग्रेस की लहर एवं कांग्रेस को भारी सीटें मिली थी। सभी पांचों जिला परिषद सीटों भी कांग्रेस जीती थी। बुडानिया एवं विधायक शर्मा के संयुक्त प्रयास से पंचायत समिति कांग्रेस की बन गई और प्रधान विधायक भंवरलाल शर्मा की पत्नी मनोहरी देवी बनी। मगर नरेंद्र बुडानिया की धर्मपत्नी कनक बुडानिया के साथ भंवरलाल शर्मा ने अन्य 4 जिला परिषद सदस्य जो विजयी हुए थे उन्हें नहीं भेजा था। शर्मा ने कनक बुडानिया को जिला प्रमुख बनाने में वाजिब भूमिका नहीं निभाई थी, जबकि शर्मा को 4 सदस्य कनक बुडानिया के समर्थन में भेजने चाहिए थे। उस समय कनक बुडानिया जिला प्रमुख नहीं बन सकी और कौशल्या पुनिया जिला प्रमुख बन गई थी। अब बुडानिया तारानगर से विधायक है। सदाशिव की 8 ग्राम पंचायतें तारानगर विधानसभा में आती है। उन ब्लॉकों एवं जिला परिषद की टिकटें मांगी। अब बुडानिया शर्मा विरोधी श्यामलाल शर्मा के समर्थन में खुलकर खड़े हैं और केसी शर्मा का प्रधान बनने से रोकने में नरेंद्र बुडानिया के हाथ के भी अंदर खामे चर्चाएं चल रही है। राजेंद्र राजपुरोहित परिवार एवं श्यामलाल शर्मा अब यहां नरेंद्र बुडानिया से 2 हाथ बने हुए हैं। बुडानिया ने आज पंचायत समिति की प्रथम बैठक में भाग लेकर कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने की बात कहते हुए संकेत दिए कि भंवरलाल शर्मा विरोधी या बागी से परहेज नहीं करेंगे, बल्कि उनके साथ रहेंगे। बुडानिया ने आज शाम राजस्थान की जान से बात करते हुए कहा कि वो आते रहेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाते रहेंगे। अब साफ हो गया है कि नरेंद्र बुडानिया सदाशिव विधानसभा में जमकर दखल करेंगे एवं भंवरलाल शर्मा खेमे के लिए चिंताएं खड़ी करने में हिचक नहीं करेंगे। कुछ बुडानिया समर्थक अब इसे 2010 का बदला भी मान रहे हैं। राजपुरोहित परिवार की बगावत अब कांग्रेस की बगावत की बजाय विधायक भंवरलाल शर्मा की बगावत बन गई है, क्योंकि नरेंद्र बुडानिया इनके साथ खुले खड़े हुए हैं नजर आ रहे हैं। आज तक तारानगर विधानसभा का विधायक कभी पंचायत समिति में नहीं आया। अब शर्मा के सामने बुडानिया की चुनौतियां भी एक के बाद एक नजर आ रही है। पहले 8 पंचायतों के लिए टिकटें मांगी, उसके बाद श्यामलाल को भी सहयोगी रहा, फिर बागी प्रधान के साथ भी दिखे। पंचायत समिति बैठक में आकर खुली चुनौती पेश की। आइए हम आपको इस खबर की विस्तृत चर्चा के लिए लेकर चलते हैं राजस्थान की जान न्यूज रूम में, जहां राजस्थान की जान के संपादक संजय प्रजापत और सीनियर रिपोर्टर गजेंद्र सिंह मौजूद हैं। शुक्रिया गजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत सर। हमारे साथ संजय सर है पूरी खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी के साथ, क्योंकि खबर अपने आप में काफी बड़ी हो जाती है, क्योंकि तारनगर विधायक नरेंद्र बुडानिया जो कि सांसद भी रहे हैं और वो सदाशिव में आके जिस प्रकार से पंचायत समिति के अंदर हिस्सा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा होना लाजमी। हमारे साथ संजय सर। संजय सर, किस प्रकार से आप इसे देखते हो कि तारनगर के विधायक नरेंद्र बुडानिया जो सदाशिव में आए हैं और पंचायत समिति की बैठक में भाग लिया, कहीं ना कहीं जो उनके विपक्षी खेमा है जो भंवरलाल शर्मा खेमा है वो कहीं ना कहीं चिंतित होगा, क्या किस प्रकार से इस बैठक में वो आए हैं देखते हो आप इसे? नरेंद्र बुडानिया निश्चित रूप से सरदार सर से उनका बड़ा संबंध रहा है, बड़ा नाता रहा है। उनका ससुराल भी सरदार सर तहसील के बादा सर के अंदर है और नरेंद्र बुडानिया यहाँ की राजनीति की शुरुआत भी सरदार सर से हुई थी। वो यहाँ से विधायक बने थे, बाद में युवा सांसद के रूप में भी वो सरदार सर से विधायक रहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा था और यहाँ से भारी मत मिला था। तो निश्चित रूप से सरदार सर के लोगों का नरेंद्र बुडानिया के प्रति भी बड़ा जुड़ाव रहता है और बुडानिया का भी सरदार सर के प्रति लोगों के प्रति बड़ा जुड़ाव रहता है। लेकिन अब
गजेंद्र, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ अभी, जो नरेंद्र बुढ़ानिया और भंवरलाल शर्मा के बीच में जो चल रहा है वो मतलब अच्छा नहीं चल रहा है। वो निश्चित रूप से इसे अगर राजनीतिक गलियारों के अंदर अपन बात करें तो ये माना जा रहा है कि 2010 का बदला 2020 में लिया जा रहा है। 2010 में कि जैसा आपको पता है कि भंवरलाल शर्मा विधायिका चुनाव अशोक पिंचा के सामने हार गए थे और उस वक्त नरेंद्र बुढ़ानिया और भंवरलाल शर्मा ने मिलकर और संयुक्त प्रयास यहाँ पे किए थे और सरदार सर की जनता ने इन दोनों नेताओं को इतना लाड प्यार दिया था कि सरदार सर की पंचायत समिति पूर्ण बहुमत से ज्यादा बंपर सीटों के साथ यहाँ पर बनी थी और 500 की 500 सीटें है वो जिला परिषद की दी गई थी। दोनों नेताओं के द्वारा गांव-गांव में जाकर हर मीटिंग में यही कहा जाता था उस वक्त कि कनक बुढ़ानिया को जिला प्रमुख बनाया जाएगा और मनोहरी देवी शर्मा को प्रधान बनाया जाएगा। दोनों नेता अपनी अपनी धर्म पत्नियों को राजनीति के अंदर एंट्री करवाने की कोशिश में लगे हुए थे, भारी मत सरदार सर से मिले थे और भंवरलाल शर्मा ने अपनी धर्मपत्नी मनोहरी देवी को तो प्रधान बना लिया था, लेकिन नरेंद्र बुढ़ानिया की धर्मपत्नी कनक बुढ़ानिया को जिला प्रमुख बनाने के लिए यहाँ के जो 5 जिला परिषद उम्मीदवार जो जीते हुए थे, जिला परिषद सदस्य थे कनक बुढ़ानिया सहित, तो 4 जो थे वो भंवरलाल शर्मा के ही थे, उसमें हंसराज सिद्ध भी थे, ईश्वर डूडी भी थे, सुखराम कड़ेला भी थे, ये लोग उस वक्त जीते हुए थे। उस वक्त नैतिकता के आधार पर इन चारों लोगों को कनक बुढ़ानिया के साथ, नरेंद्र बुढ़ानिया के साथ उनके समर्थन में भेजना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं किया गया और उस वक्त समर्थन कौशल्या पूनिया को दे दिया गया जो राजगढ़ से थी, तो वो जिला प्रमुख बन गई थी। तो निश्चित रूप से उस वक्त नरेंद्र बुढ़ानिया का समर्थक और खेमे में भारी निराशा रही थी और कनक बुढ़ानिया 2010 में जिला प्रमुख बनने से वंचित रह गई थी। हालांकि उसमें बहुत सारे और भी कारण थे, मात्र 4 वोटों से वो वंचित नहीं रही थी, उनके पास और ज्यादा वोट भी नहीं थे, लेकिन सरदार सर से अगर बड़ी शुरुआत होती, 5 सदस्य जाते तो निश्चित रूप से कोई ना कोई बात बनती। वो बनने और नहीं बनने के और भी अनेक कारण रहे होंगे, लेकिन एक बड़ा कारण यह रहा था। उसके बाद नरेंद्र बुढ़ानिया और भंवरलाल शर्मा अनेक मीटिंगों में मिले, एक दूसरे से मिलते जुलते रहे, काफी बातें होती रही, लेकिन यह एक जो बड़ी बात थी वो हमेशा बीच में रही। अब जब मामला सरदार सर का आया तो पड़ोसी अपने विधानसभा तारानगर से नरेंद्र बुढ़ानिया विधायक आते हैं और भंवरलाल शर्मा भी हैं, तो दोनों नेता यहां से जीते हुए हैं और नरेंद्र बुढ़ानिया कांग्रेस में बड़े सीनियर नेता है, दिल्ली तक उनकी पहुंच है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और गांधी परिवार से भी इनके अच्छे तालुकात हैं, तो चूरू जिले के एक बड़े पावरफुल नेता के रूप में माने जाते हैं, अशोक गहलोत से भी इनके बड़े अच्छे रिश्ते हैं। तो इस मामले में तारानगर से ये जीतने के बाद चूरू जिले में एक बड़ा मजबूत नेता आ गया। भंवरलाल शर्मा लगातार जीतते आ रहे हैं, 2 दफे वो जरूर हारे हैं, एक दफे नरेंद्र बुढ़ानिया ने इनको हराया था और एक दफे अशोक पिंचा से हारे थे, लेकिन फिर भी भंवरलाल शर्मा 7 बार विधायक बन चुके हैं, तो कांग्रेस उनको भी एक बड़े नेता के रूप में देखती है। लेकिन भंवरलाल शर्मा के बीच बीच में पार्टी विरोधी बयान आ जाने के कारण इनको वो जो ऊंचाई नहीं मिल पा रही है जो मिलनी चाहिए थी, निश्चित रूप से इनके बयानों का इनको नुकसान भुगतना पड़ रहा है। और इस चुनाव में, पंचायत चुनाव में भंवरलाल शर्मा के भाई श्यामलाल से, भंवरलाल शर्मा के एकदम तीखे रिश्ते चल रहे हैं, नोकझोंक चल रहे हैं और श्यामलाल शर्मा तो खुला आरोप लगाते हुए नजर आते हैं कि भंवरलाल शर्मा ने द्वारा उन पर बहुत सारे गलत मुकदमे करवाए गए हैं और वो मुकदमे भुगत रहे हैं, जबकि उनका चालान नहीं हुआ, इस प्रकार के देते हैं। और इन दोनों भाइयों के बीच में जो द्वंद्व था, जो वो द्वंद्व इस पंचायत चुनाव में एकदम साफ रूप से देखने को मिला, नरेंद्र बुढ़ानिया के दम पर श्यामलाल शर्मा है वो पंचायत समिति सदस्य का टिकट कांग्रेस से मांगते हुए नजर आ रहे थे, वो दावा कर रहे थे कि मुझे टिकट मिल जाएगा, लेकिन टिकट की दौड़ में नरेंद्र बुढ़ानिया के बजाय भंवरलाल शर्मा की जीत हुई और भंवरलाल शर्मा 25 ब्लॉकों की और 5 जिला परिषद की टिकट ले आए। लेकिन नरेंद्र बुढ़ानिया के अच्छे समर्थक है और अच्छे विश्वास पात्र है श्यामलाल शर्मा। श्यामलाल शर्मा ने वहां निर्दलीय ताल ठोकी और अंदर नई बातें यह भी आ रही कि नरेंद्र बुढ़ानिया मतलब उनको कांग्रेस से बगावत करने से नहीं रोक पाए या रोकना नहीं चाह रहे थे। श्यामलाल शर्मा ने निर्दलीय ताल ठोकते हुए कांग्रेस की टिकट पर विधायक भंवरलाल शर्मा की पत्नी मनोहरी देवी को वहां पर 600 से ज्यादा वोटों से वहां चुनाव हरा दिया। तो वहां टिकट की जीत तो भंवरलाल शर्मा वहां जीत पाए, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। उसके बावजूद श्यामलाल शर्मा नरेंद्र बुढ़ानिया के लगातार संपर्क में रहते हैं। यहां स्थिति 13
कांग्रेस 11, बीजेपी और एक श्यामलाल निर्दलीय रहते हैं। जैसा कि हमारे पहले इंटरव्यू में गजेंद्र हमारे द्वारा ये कहा गया था कि इस चुनाव के श्यामलाल किंग मेकर रह सकते हैं, तो निश्चित रूप से ये किंग मेकर रहे भी हैं। वो हमारे जो शुरुआती अंदाज थे, जो हमें लग रहा था, वो निश्चित रूप से एकदम परफेक्ट बैठा कि श्यामलाल किंग मेकर रहे। और फिर श्यामलाल है गजेंद्र, श्यामलाल कांग्रेस एक सी जो बंवरलाल शर्मा खेमा है वो उनके पुत्र केसरी शर्मा प्रधान के रूप में दावेदार था। जैसा कि आप देख रहे थे, आपको पता होगा कि केसरी शर्मा को प्रधान के लिए लगभग घोषित कर दिया गया था और वहां पर जो 11-12 सदस्य हैं वो बंवरलाल शर्मा की बाड़ाबंदी में थे, लेकिन एक सदस्य नहीं था, वो गजेंद्र आपको पता है कौन नहीं था, राजपुरोहित परिवार के बारे में आप जानते हैं। राजपुरोहित परिवार राजपुरोहित परिवार से एक कल्याण चंद्र जी राजपुरोहित है, उनकी पुत्र वधु निर्मला राजपुरोहित जीत कराई थी, जो बाड़ाबंदी के अंदर नहीं थी। श्यामलाल शर्मा द्वारा राजपुरोहित परिवार और बीजेपी के द्वारा इस परिवार को साधने की पूरी कोशिश की गई। राजेंद्र राजपुरोहित है जो मधुसूदन राजपुरोहित के बड़े भाई है, तो कल्याण चंद्र जी के जाने के बाद में इस परिवार की बड़ा परिवार है, संयुक्त परिवार है, तो इसकी निर्णायक क्षमता है वो एकदम नैतिकता के आधार पर राजेंद्र राजपुरोहित के पास आ जाती है। बंवरलाल शर्मा द्वारा राजेंद्र राजपुरोहित को हमेशा कम आंका गया, ये राजेंद्र राजपुरोहित ने खुद ने आरोप लगाए थे, लेकिन नरेंद्र बुडानिया ने जहां जहां बंवरलाल शर्मा की कमियां दिखी वहां वहां मदद करते रहे। राजपुरोहित परिवार से नरेंद्र बुडानिया के हमेशा से बहुत अच्छे संपर्क रहे हैं, यह पूरा परिवार नरेंद्र बुडानिया के लगातार संपर्क में रहा है और नरेंद्र बुडानिया का विश्वास पात्र भी है यह परिवार। तो इस परिवार श्यामलाल शर्मा और राजेंद्र राजपुरोहित परिवार के साथ नरेंद्र बुडानिया एकदम ओपन रूप से खुलकर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, जबकि इन दोनों ने कांग्रेस की पंचायत समिति बनने से रोक दी थी और निर्दलीय के रूप में ये पंचायत समिति बनी है। तो नरेंद्र बुडानिया ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो निर्दलीय के रूप में पंचायत समिति बनी है उन्होंने भाजपा की नहीं बनने दी, तो निश्चित रूप से ये नरेंद्र बुडानिया के पाले में ये बात जाती है उनके पक्ष में कि उन्होंने भाजपा की नहीं बनने दी, भाजपा के समर्थन से ये बन पाई है। तो लेकिन ये प्रधान तो निश्चित रूप से जो सरदार सर का है वो नरेंद्र बुडानिया के साथ में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और नरेंद्र बुडानिया इस जो सरदार सर निर्दलीय प्रधान है निर्मला राजपुरोहित राजपुरोहित परिवार के साथ और श्यामलाल के साथ खुले रूप से खड़े हुए। जैसा कि आज राजस्थान की जान से नरेंद्र बुडानिया ने बात की तो उन्होंने कहा कि मैं पंचायत समिति की जो पहली बैठक आज हुई है उसमें आया हूं, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने आया हूं। कौन से कार्यकर्ता? कांग्रेसी कार्यकर्ता है, तो यहां पे निश्चित रूप से कांग्रेस भी दो भागों में बंटी है। जो कार्यकर्ता बंवरलाल शर्मा से नाराज चल रहे हैं, कांग्रेस के लिए उनका दिल धड़कता है, उनको नरेंद्र बुडानिया गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां से कांग्रेस का जो एक खेमा है जो लंबे समय से बंवरलाल शर्मा से नाराज चल रहा है वो नरेंद्र बुडानिया उनको खुलकर गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं और सरदार सर के साथ साथ तारानगर के साथ विधानसभा के साथ साथ नरेंद्र बुडानिया सरदार सर में भी लगातार दखल देते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्योंकि सरदार सर की जो पहले 8 पंचायतें थी, अभी बरजांग सर को भी एक नई पंचायत समिति बना दिया गया पिचकराई से, तो अब 9 पंचायतें हो गई है। 9 पंचायतें तारानगर की में आती है, उन तारा पंचायतों की जन सुनवाई तारानगर मुख्यालय पर करने की बजाय वो सरदार सर में करते हैं, जो निश्चित रूप से कांग्रेस खेमे को चुभती है। लेकिन नरेंद्र बुडानिया ये ऐसा लगातार करते रहते हैं और अपने आप को एक दबंग नेता के रूप में वो यहाँ पे लगातार साबित करते हुए नजर आ रहे हैं और निश्चित रूप से अशोक गहलोत से भी उनके अच्छे संबंध है। आने वाले समय में चूरू जिले के कांग्रेसी लोगों की और नरेंद्र बुडानिया समर्थकों की भी उम्मीदें हैं कि वो एक काबीना मंत्री के रूप में भी निश्चित रूप से देखे जा सकते हैं। तो यहां पर नरेंद्र बुडानिया है वो बंवरलाल शर्मा से 2010 का बदला 20 में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो 2010 की जो टीस है या फिर अदावत है वो अब भी जारी है, नरेंद्र बुडानिया रह रहकर उसे अदावत को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से नरेंद्र बुडानिया सरदारशहर में आए और जिस प्रकार से आज क्या कुछ, क्योंकि आप पंचायत समिति में थे, पूरी आपने उस खबर को कवरेज किया पूरी खबर को, तो क्या कुछ बॉडी लैंग्वेज है वो मधुसूदन राजपुरोहित की, निर्मला राजपुरोहित की रही, क्या कुछ जो बॉडी लैंग्वेज है वो श्यामलाल शर्मा की रही और क्या कुछ बॉडी लैंग्वेज है वो कैसे शर्मा की रही, क्योंकि आपने पूरी कवरेज की थी, क्या क्या रहा?
गजेंद्र, मैं आपको बता दूं, नरेंद्र बुडानिया की जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो अपना मनोबल है वो काफ़ी बढ़ा हुआ देख रहे थे, और वो आज सरदार सर में ये आके साबित कर, मतलब यही साबित करना चाह रहे थे कि जिन कार्यकर्ताओं की भंवरलाल शर्मा से नाराजगी चल रही है, जो भंवरलाल शर्मा खेमे में खुश नहीं है, वो उनके साथ खुले खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मैं लगातार पंचायत समिति में आता रहूँगा। गजेंद्र, नरेंद्र बुडानिया और भंवरलाल शर्मा में एक बड़ा अंतर है कि राजनीति के अंदर अनिश्चितताओं का खेल है, नेताओं के बीच में सब कुछ चलता भी रहता है, एक ही पार्टी के अंदर भी विरोधी नेता भी होते रहते हैं, लेकिन नरेंद्र बुडानिया अगर कोई भी काम करते हैं, चाहे वो बगावत करे, चाहे वो बदला ले, चाहे वो कोई कुछ भी करना चाहे, लेकिन वो बड़े तरीके से और बड़े सलीके से करते हैं, जबकि ये भंवरलाल शर्मा में नहीं देखा जाता है। भंवरलाल शर्मा को जब गुस्सा आता है तो वो फटाफट उस आदमी के खिलाफ बयान दे देते हैं, चाहे सोनिया गांधी के खिलाफ देना हो या राहुल गांधी के खिलाफ देना हो, चाहे अशोक गहलोत के खिलाफ देना हो, लेकिन नरेंद्र बुडानिया इस काम को अपने तरीके से करते हुए नजर आ रहे हैं। नियमों को का हवाला देके वो सरदार सर में दखल कर रहे हैं। दखल वो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे वो 9 पंचायतों के नाम पे यहाँ पे जन सुनवाई कर लेते हैं, इंदिरा गांधी गेस्ट हाउस के अंदर आकर 9 पंचायतों के नाम पर वो पंचायत समिति सरदार सर में आ जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि रतनगढ़ की भी जो पंचायत समितियां है वो सरदार सर विधानसभा में आती है, लेकिन भंवरलाल शर्मा कभी रतनगढ़ में नहीं जाता है, और तारानगर की कुछ पंचायत समितियां भी राजगढ़ में आती है, जबकि नरेंद्र बुडानिया कभी राजगढ़ पंचायत समिति में भी नहीं देखे गए हैं। और सरदार सर पंचायत समिति में लंबे समय से सरदार सर की ये जो पंचायतें हैं वो तारानगर में आती है, लेकिन वहां के विधायक यहां कभी नहीं आए। ऐसा नहीं होता है, विधायक होते हैं वो विधानसभा स्तर का भी काम देखते हैं, लेकिन नरेंद्र बुडानिया जब चाहे उनको उनकी दखल देने की बात हो, भंवरलाल शर्मा को चाहे नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, या जो कांग्रेस का जो बिखराव है वो एक गुट को मतलब आप खुद साध रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, तो वो नियमों को हवाला देते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आज पंचायत समिति में वो आकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का उनका जो तरीका था वो यही था कि जो ये कांग्रेसी खेमा है या जो ये निर्दलीय लोग कांग्रेसी विचारधारा के यहाँ पे प्रधान बने हैं, इनकी बात अधिकारी ध्यान से सुने, क्योंकि इनके साथ भी एक पावरफुल विधायक खड़ा है, नरेंद्र बुडानिया खड़ा है। अगर इनकी बात नहीं मानेंगे तो नरेंद्र बुडानिया इनकी बात मनवाने के लिए चाहे कानूनी तौर तरीके हो, चाहे चाहे राजनीतिक रूप से दबाव हो, वो नरेंद्र बुडानिया का इनके साथ रहेगा। तो नरेंद्र बुडानिया और जो आज नव नियुक्त कांग्रेसी विचारधारा की निर्दलीय प्रधान रही थी, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए अधिकारियों में एक बड़ा मैसेज देने आए थे, और कांग्रेस के नाराज कार्यकर्ताओं को भी यह मैसेज देने आए थे कि नरेंद्र बुडानिया उनके साथ खड़े हैं। तो निश्चित रूप से भंवरलाल शर्मा का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो वो आज की मीटिंग में नहीं आ पाए, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो भंवरलाल शर्मा अब उतनी भागदौड़ नहीं कर सकते जितनी नरेंद्र बुडानिया कर सकते हैं। तो नरेंद्र बुडानिया अब तारानगर के साथ साथ सरदार सर को भी साधते हुए नजर आ रहे हैं। यह भी अगर कोई बड़ी बात नहीं होगी कि नरेंद्र बुडानिया आने वाले समय में यहां कनक बुडानिया को या अपने पुत्र को या खुद यहां से चुनाव लड़े, क्योंकि नरेंद्र बुडानिया यहां से विधायक रह चुके हैं, तारानगर से विधायक रह चुके हैं, एमपी भी रह चुके, राज्यसभा भी रह चुके। तो गजेंद्र, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि नरेंद्र बुडानिया चूरू जिले के कांग्रेस के अंदर एक बड़े दिग्गज नेता है। बिल्कुल बड़े दिग्गज नेता है, इसमें कोई शक नहीं है। राज्यसभा सांसद भी बुडानिया रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हालांकि जो श्यामलाल शर्मा, उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी है, ना ही उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है, और इसके साथ जो निर्मला राजपूत वो भी लगातार रह रहे यही बातें करते हैं कि हमने कांग्रेस नहीं छोड़ी, हम कांग्रेस के साथ बने हुए हैं। तो आप इसे किस नजर से देखते हो, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को भी नहीं छोड़ने दिया और भाजपा में शामिल नहीं दिया, ये भी उनके एक राजनीतिक हिस्सा है। ये उनका उनका निश्चित रूप से राजनीतिक हिस्सा है, क्योंकि ये वो राजनीतिक हिस्सा भी है, उनकी विचारधारा भी है, क्योंकि राजपुरोहित परिवार हमेशा कांग्रेस से जुड़ा हुआ। राजेंद्र राजपुरोहित ने अपने परिवार में ये बात खुलकर कही थी कि वो परिवारवाद को नहीं चलने देंगे, चाहे भंवरलाल शर्मा हमें बनाए किसी और को बनाए। और भंवरलाल शर्मा से राजेंद्र राजपुरोहित के आत्मीयता के रिश्ते नहीं रहे हैं, कांग्रेसी विचारधारा के लिहाज से राजेंद्र राजपुरोहित भंवरलाल शर्मा के पास आते जाते रहे हैं, और दोनों के कभी मन नहीं मिले हैं, चाहे ऊपरी तौर पर वो एक मंचों पर कई दफा नजर आए हैं। तो राजेंद्र राजपुरोहित जो परिवार है, जो मेरी का राजपुरोहित परिवार है, जो निर्दलीय बागी प्रधान है निर्मला राजपुरोहित, ये कांग्रेस में ही रहना चाहते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये पार्टी छोड़ना चाहते हैं। और नरेंद्र बुडानिया ये अपनी पार्टी के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं कि वो उनको बीजेपी ज्वाइन करने से रोकने के लिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपके साथ हूं, आपको दूसरी पार्टी ज्वाइन करने की क्या दिक्कत है। तो निश्चित रूप से नरेंद्र बुडानिया कांग्रेस पार्टी
पार्टी के लिए तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सरदार शहर में विधायक मनोहरलाल शर्मा खेमे के लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि सरदार शहर विधानसभा का जो जो है वो दो दूरी है, उनका नियंत्रण अब दो विधायक करने लगे हैं, तो निश्चित रूप से अब जो एक कांग्रेस कार्यकर्ता है वो दो दड़ों में भी बंटे हुए, पहले जो नाराज कार्यकर्ता थे वो उनके पास बड़ा कोई नेतृत्व नहीं था, अब उनके पास एक प्रभावशाली नेतृत्व आ गया है, और अब नरेंद्र बुड़ानिया के पास भी यहाँ पे एक प्रधान है, और पंचायत समिति भी काफ़ी बड़ा क्षेत्र होती है और हर गाँव से जुड़ी होती है, यहाँ के विकास कार्य है बहुत सारे, अगर गाँवों की बात करें तो लगभग सभी कार्य पंचायत समिति से संचालित होते हैं, तो नरेंद्र बुड़ानिया अब एक बड़े पावर के रूप में आ गए हैं, और जो उनके समर्थक रहे हैं राजपुरोहित परिवार, श्यामलाल उनके समर्थक रहे हैं, जो आज की तारीख में बात करें तो दोनों ही भंवरलाल शर्मा के बागी हैं, तो भंवरलाल शर्मा के बागियों का नेतृत्व नरेंद्र बुड़ानिया करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन नरेंद्र बुड़ानिया की पार्टी के लिहाज से अच्छी बात यह है कि वो उनको किसी दूसरी पार्टी में जाने के लिए विवश नहीं होने दे रहे हैं, और भंवरलाल शर्मा खेमे के लिए यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर इस प्रकार से एक ही विधानसभा का दो दूरी पर नेतृत्व होने लग गया तो निश्चित रूप से भंवरलाल शर्मा धीरे धीरे कमजोर होते हुए जाएंगे, भंवरलाल शर्मा कमजोर होते जाएंगे, कांग्रेस के लिए भी अच्छी बात नहीं होगी। मैं आपको बता दूं कि कनक बुड़ानिया 10 साल पुरानी बात है, जब कनक बुड़ानिया वो जिला प्रमुख की दावेदार थी लेकिन वो जिला प्रमुख नहीं बन पाई थी, लेकिन भंवरलाल शर्मा ने अपनी पत्नी धर्मपत्नी मनोज देवी को प्रधान बनाने में सफल हो गए। सर, मेरा अंतिम सवाल यह है कि यह दावत कब खत्म होगी? अब गजेंद्र, राजनीति के अंदर कुछ भी फिक्स नहीं होता है, राजनीति के अंदर जैसे जो व्यक्ति लगातार एक पार्टी से जुड़ा हुआ रहता है उस पार्टी में आवेदन करता है टिकट के लिए, और रात को 12 बजे तक वो अपनी पार्टी के मुख्यालय के अंदर देखा जाता है टिकट के लिए, और सुबह उसके घर में जो उनके परंपरागत विरोधी होते हैं वो उसके माला डालते हुए दिखाई देते हैं कि ये मतलब जो अपनी परंपरागत विरोधी पार्टी से टिकट लेके आ गए हैं, तो ये तो अपन नहीं कह सकते कि ये कब तक चलेगा और कब तक नहीं चलेगा, लेकिन नरेंद्र बुड़ानिया 2010 का बदला 20 में लेते हुए निश्चित रूप से दिखाई दे रहे हैं, और नरेंद्र बुड़ानिया ये जो तमाम बातें कर रहे हैं वो नियमों का हवाला देते हुए कर रहे हैं, और वो ऐसा कोई स्टेटमेंट भी देने से बचते हैं कि जिससे पार्टी में उनको मतलब कोई बागी या पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली बातें हों, ऐसा नहीं करते, हर काम वो नियमों का हवाला देते हुए करते हैं। वो तारानगर में जो नौ पंचायत सरदार शहर की उनका हवाला देके वो सरदार यहां एंटर हो जाते हैं, लेकिन वो उतनी दखल राजगढ़ में नहीं करते हैं, जबकि भंवरलाल शर्मा ने कभी रतनगढ़ में नहीं की। ये जो विधानसभाओं का परिसीमन है इसके तहत ऐसा होता है, लेकिन नरेंद्र बुड़ानिया अब है वो लगभग सरदार शहर में हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और पंचायत समिति में नरेंद्र बुड़ानिया के जो समर्थक हैं वो बागी कांग्रेस के रूप में वहां पर एंटर हो चुके हैं और वहां अपना परचम लहरा चुके हैं, तो अब निश्चित रूप से नगरपालिका की चुनाव में भी ये लोग भंवरलाल शर्मा को नुकसान पहुंचाएंगे। राजेंद्र राजपुरोहित ने खुली घोषणा कर दी है कि वो विकास मंच जो उनका गैर राजनीतिक संगठन लंबे समय से था वो चुनाव लड़ेगा, और श्यामलाल शर्मा है वो अपने भाई के खिलाफ लगातार बागी तेवर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसका एंड कब होगा, इसका समाधान कब होगा, प्रदेश स्तर पर इसका क्या होगा, ये तो अभी अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन नरेंद्र बुड़ानिया है वो सरदार शहर में लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं, जो भंवरलाल शर्मा खेमे के लिए कतई अच्छी बात नहीं है। तो बिल्कुल भंवरलाल शर्मा के लिए अच्छी बात नहीं है, लगातार नरेंद्र बुड़ाने का वो दखल है सरदार शहर की राजनीति में बढ़ता जा रहा है, हाल फिलहाल ये दखल है, हाल फिलहाल ये अदावत है वो समाप्त होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आगे से इसी प्रकार की जो न्यूज है वो देखते रहने के लिए आप बने रहिए राजस्थान की जान के साथ। तब तक के लिए सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, थैंक यू।